डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग 10th क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसके पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10, जो वृत्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। चलिए उसके बाद हम लोग उसके आगे 11 नंबर चैप्टर में है, अगर मैथ का बात करें तो रचना है, और रचना मेरे हिसाब से लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि रचनाएं जो हम लोग करेंगे तो वो हम लोगों को लास्ट टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो रचना नंबर को छोड़कर आज एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका एनसीईआरटी बुक के ये 12वां चैप्टर में है, 12वें चैप्टर में है, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब इस वृत्त के से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि वृत्त क्या है, वृत्त के बारे में, ठीक है। तो वृत्त को जानने के लिए एक सबसे बड़ा फिगर, एक वृत्त का हम लोग बनाएंगे। आप इसको बनाइएगा प्रकार की सहायता से, ठीक है। एक वृत्त बनाइएगा, और वृत्त जो होता है ना, वही वृत्त एक मुड़ी हुई रेखा से बनता है। देख रहे हैं ना, एक होती है सीधी रेखाएं, तो वृत्त का जो निर्माण होता है वो एक मुड़ी हुई रेखा से निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात कि किसी भी वृत्त में आपको जानना चाहिए कि बीच वाला जो बिंदु रहता है उसको कहते हैं केंद्र। याद रखिएगा, इस ओ जो हम लोग दर्शाए हैं ये क्या है, तो वृत्त का केंद्र है। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में आपको जानना चाहिए कि वृत्त में क्या क्या होता है। तो वृत्त का एक बीच वाला मध्य बिंदु होता है, उसको हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र से इस मुड़ी हुई लाइन तक के जो दूरी है, इसको कहते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या को छोटा आर या कैपिटल आर से दिखा सकते हैं। कभी कभी हम छोटा आर से भी दिखाते हैं त्रिज्या को, और कभी कभी बड़ा आर से भी दिखाते हैं। और आपको जानना चाहिए कि जब इसी त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं, तब ये कहलाता है हम लोगों का डी। डी मतलब हुआ हम लोगों का व्यास, यानी कि व्यास जो होता है वो एक छोर के, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के होता है, जो केंद्र से पास करता है, ठीक है। और जो कर्व्ड लाइन है, ये वाला लाइन जहां पे अभी हम पेन चला रहे हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं परिधि। परिधि कहिए चाहे परिमाप कहिए, यानी कि इस वाले लाइन को जहां पे एरो मारे हैं, ये वृत्त की परिधि बोलिए या फिर इसको परिमाप कहिए। समझ में आया? तो वृत्त का त्रिज्या किसको कहते हैं, तो त्रिज्या हुआ यहां से लेकर के यहां तक, ये त्रिज्या हुआ। त्रिज्या को R और कैपिटल R से दिखाते हैं, लेकिन वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी को हम लोग D से सूचित करते हैं, और इस D का मतलब हुआ व्यास। इसको क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले आप समझिए कि हम लोग वृत्त में क्या क्या होता है, ये तो हो गया। अब वृत्त के अंदर वाला जो भाग है, देख लीजिए, जिसको हम लोग कलर कर रहे हैं, ये जो अभी कलर हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है कलर, अच्छा सा करते हैं, देख रहे हैं ना जो कलर हो रहा है, ये वाला जो भाग कलर हो रहा है, देख रहे हैं, ये जो कलर किए हैं ना,
इस पूरे वृत्त का जो कलर किए हम लोग हैं, इसी कलरफुल वाले पार्ट को, यानी कि जिसको हम लोग कलर कर रहे हैं, इसी कलरफुल वाले को बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किसको कहते हैं? तो जो वृत्त के अंदर वाले भाग को जिसको हम लोग कलर किए हैं, इस कलर वाला को बोलते हैं वृत्त का ये क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। क्लियर। वृत्त का केंद्र किसको कहते हैं? वृत्त का त्रिज्या किसको कहते हैं? वृत्त का परिधि चाहे परिमाप किसको कहते हैं? ये समझ में आया। अब आप समझिए कि सबका फार्मूला क्या होता है। देखिए, वृत्त का त्रिज्या को तो हम लोग आर से सूचित करते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है आर जिसको बोलते हैं, वो डायमीटर यानी कि व्यास, डी माने कौन सी, व्यास, व्यास का आधा होता है। यानी कि आर का फार्मूला याद रखना है डी बटा में टू, ये कोची का फार्मूला हो गया आर का। अच्छा, डी का फार्मूला याद रखना है टू आर, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या जो है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसलिए टू से डिवाइड करेंगे। और पूरा जो व्यास है एक छोर से दूसरे छोर, वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। क्लियर हुआ। चलिए, तो आर के बारे में हम लोग को पता चल गया, डी के बारे में पता चल गया। उसके बाद एक और फार्मूला याद रखिएगा, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि का फार्मूला, चाहे वृत्त का परिमाप बोलेगा, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। याद रखिएगा, वृत्त का परिधि क्या फार्मूला कुछ होता है, 2πr। 2πr का मतलब पाई का वैल्यू याद रखिएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7, या फिर पाई का वैल्यू होता है 3.14। याद रखिएगा इस चीज को कि जो वृत्त का परिधि होता है वो, उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि वो वृत्त का परिधि का मतलब ये वाला जहाँ पे हम अभी पेन चला रहे हैं चारों तरफ, ये इसी को ना वृत्त का परिधि कहते हैं। तो वृत्त का परिधि का कोई फार्मूला पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 2πr। चाहे वृत्त का कोई परिमाप पूछेगा तो 2πr, जहाँ पाई के मान कितना कितना होता है, ध्यान रख लीजिएगा पाई का तो वैल्यू दुगो होता है, पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है और पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है। लेकिन इसको कहाँ यूज करना है, इसको हर जगह यूज करना है, इसको हर जगह यूज करना है, समझ में आया। और 3.14 का इस्तेमाल वही करना है जब तक बोला ना जाए, जब तक बोला ना जाए इसको यूज नहीं करेंगे। यानी कि सवाल में अगर बोल दिया कि पाई के जगह पर आपको 3.14 ही रखना है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका हर जगह का मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है और तब जाकर हमें पाई का मान रखना है तो याद रखिएगा 22/7 रखते हैं। तो याद रखिएगा कि पाई का वैल्यू दुगो होता है लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है 22/7। पाई का वैल्यू एक और होता है 3.14, तो इसका यूज कहाँ करना है, इसका यूज अगर सवाले में लिखल रहेगा कि पाई का मान इतना यूज करें तब जाकर इसका यूज करना है, अगर कुछ नहीं बोले सवाल में तो आपको 22/7 इस्तेमाल करना है। समझ में आया। तो याद रखिएगा कि पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कौन सी, तो वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा जितना वहाँ पे रख देंगे, और दो गुने 22/7 गुने त्रिज्या, इसको करेंगे तो वृत्त के कुछ निकलेगा, परिधि निकलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे इम्पोर्टेंट भाई, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एकदम याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर माने कौन सी, वृत्त की त्रिज्या। तो अगर जितना वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। क्लियर। तो आप क्या, आपका काम क्या है कि पूरा ये इसको नोट करने के बाद इस फार्म फिगर को अच्छे से नोट कर लेना है, फार्मूला को अच्छे से नोट कर लेना है,
इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त का परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान कोई पूछेगा 22/7 बताएंगे, हालांकि उसको साइड से ये भी बोल देंगे कि पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, लेकिन इसको वहीं यूज करना है जहां तक क्वेश्चन में बोला जाए, जिस क्वेश्चन में बोला जाए उसी में यूज करना है, बाकी हर जगह हम लोग यूज करेंगे 22/7। तो दोस्तों आज आपका काम है इन सारी वृत्त के फंक्शन को आप समझिए, और फिर अगले क्लास में बस इतना ही फार्मूला है, अगर इतना फार्मूला को आप जानते हैं या सीख लिए तो कोई भी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्त आज तक इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, और फिर अगले दिन से नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।